आज हमारे पास एक गाड़ी आई है जो कि हीट हो रही थी, कस्टमर का कहना है। तो जनरली गाड़ी जब हीट होती है तो एक तो ये होता है कि भाई इसमें कूलेंट नहीं है, दूसरा क्या है कि पंखे नहीं चल रहे उसकी वजह से हीट होती है, और अगर ज़्यादा गाड़ी में दिक्कत हो तो क्या होता है कि हेड गैसकेट वगैरह जल गई है तो गाड़ी हीट होती है। तो लेकिन इस गाड़ी में क्या था, इसमें कुछ अलग ही मैटर है। तो हमने ये इसमें देखा कि इसमें दो पंखे लगे होते हैं, ये होंडा सिटी गाड़ी है, इसमें जो ये वाला पंखा है, एसी वाला, इसमें पहले इन्होंने कुछ काम कराया होगा कहीं पे, तो किसी ने क्या जुगाड़बाजी करके ना, जो लोकल मैकेनिक होते हैं उन्होंने इसमें वैगनार की मोटर लगा रखी है, ठीक है, जो कि पंखा क्या हो रहा है, उल्टा चल रहा है। और ये वाला देखा, ये इसका जेन्युइन पंखा है, ये एकदम सीधा चल रहा था, ठीक है। तो हवा क्या होता है, जो रेडिएटर है, ये हमारा रेडिएटर होता है ये पूरा, इसमें जो ठंडा कूलेंट घूमता है, इसकी जो ठंडी हवा होती है वो इंजन की तरफ फेंकनी चाहिए, यानी कि डायरेक्शन कहाँ होता है, रेडिएटर से इंजन की तरफ, ठीक है। तो ये पंखा क्या कर रहा था, इधर की हवा लेके और रेडिएटर को गर्म कर रहा था, इस साइड में दे रहा था, और ये वाला पंखा सही काम कर रहा था अपना, ये इधर की हवा इंजन की तरफ ही दे रहा था। तो हमने क्या करा इसमें, ये आप देख रहे होंगे एक नीला तार है और एक काला तार है। तो इसमें करना क्या है, इन तारों को ना पलटा मार दो, ये जो काला वाला तार है ये नीले में मिला दो और ये काला वाला इसमें, पलटा पलटी कर दो कपलर के, तो पंखा क्या होगा अपने उल्टी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम इसको टेपिंग कर देते हैं, क्योंकि टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, तो प्रॉपरली ये सब टेप वगैरह होना ज़रूरी है। तो यही होता है जब आप किसी लोकल मैकेनिक पे रोड साइड कुछ काम कराएं तो उन्हें इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो यही है प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि बड़ी मुश्किल से डिटेक्ट होती हैं फिर, क्योंकि ये किसी ने सोचा नहीं होता है कि कोई जुगाड़बाजी करके दूसरी मोटर लगा देगा और जो जिस डायरेक्शन में चल रही है उसका उल्टी डायरेक्शन में चलने लगेगा पंखा। तो हमने इसका टेपिंग करके और प्रॉपर लगा दिया है, अब मैं आपको स्टार्ट करवा के दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करना, ठीक है। अब ये देखना, हमने एसी ऑन कर दिया, अब ये पन्नी से आपको दिख जाएगा कि हवा किस साइड डायरेक्शन में जा रही है। ये देखिए, ये इधर को जा रही है, यानी कि मैं इधर को कर रहा हूँ, ये पीछे के इंजन की तरफ जा रही है, ये इंजन में प्रॉपर चिपक गई है उधर, अगर हवा उधर को होती तो पन्नी एकदम पंखे में चिपक जाती। ये देखिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, दोनों इसके जो पंखे हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं इधर भी, और गाड़ी की ये जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो प्रॉपर सॉल्व हो गई, बंद कर दो। तो क्या होता है, कभी कभी मैकेनिक कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अरे इसमें कूलेंट कम है और या उसका दिक्कत है, ये सब चीज़ें। तो प्रॉपर क्या होता है कि पहले डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ कहाँ आ रही है। तो चार पांच तरीके होते हैं, उससे स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करी जाती है, जिससे कस्टमर का कम से कम पैसे में प्रॉपर काम हो सके। तो कई लोग होते हैं हीट हो रही है, हेड खोल दो, सीधे हेड खोल देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले प्रॉपर छोटी से छोटी चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो अभी ये हमारी गाड़ी है होंडा सिटी, ये प्रॉपर ओके हो गई है,